हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर दिन कोरोना बना रहा खौफनाक रिकॉर्ड। देश में पहली बार एक दिन में 1,31,000 नए केस मिले। मौत के आंकड़ों ने डराया। भारत में कोरोना वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है और एक बार फिर से दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। देश में कोरोना के नए मामले लगातार तीसरे दिन 1,00,000 से अधिक दर्ज किए गए। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक गुरुवार रात तक 24 घंटे में कोरोना के 1,31,787 नए मामले मिले, जो महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की ये सर्वाधिक संख्या है। इसके पहले बुधवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1,26,789 नए मामले मिले थे। मंगलवार को भी नए संक्रमितों की संख्या 1,15,000 से अधिक दर्ज की गई थी। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक कोरोना का बढ़ता ग्राफ परेशान करने वाला है। नए संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर अब तक 4 बार 1,00,000 को पार कर चुकी है। उपचाराधीन मामले भी 9,00,000 के पार चले गए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने की दर घटकर 91.67% थी और सक्रिय मामलों की दर बढ़कर 7.4% हो गई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.29% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार की सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में वायरस से 802 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,67,694 हो गई। देश में लगातार 29 दिनों से इलाजरत मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उपचाराधीन मामले भी बढ़कर 9,74,174 हो गए, जो कुल मामलों का 7.4% है। देश में 12 फरवरी को सबसे कम 1,35,926 उपचाराधीन मरीज थे। ये संख्या उस समय के कुल मामलों का 1.25% थी। जागरूक टीवी की कोरोना अपडेट पर खास रिपोर्ट।